बाड़मेर शहर के ब्रजनगर में शुक्रवार सवेरे एक रहवासी मकान में आग लग गई। आग गैस सिलेंडर में धधकी। मकान में रहने वाले युवकों ने आनंद फानंद में सिलेंडर को घर से बाहर फेंक दिया। साथ ही पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंच अग्निशमन यंत्र से सिलेंडर की आग बुझाई। युवकों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार बाड़मेर शहर के ब्रजनगर में एक मकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। मकान में पढ़ाई करने वाले युवक रह रहे थे। उन्होंने धधकते सिलेंडर को घर से बाहर फेंक दिया। सड़क पर जलता हुआ सिलेंडर देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ युवकों ने सिलेंडर पर पानी छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। घटना की सूचना के बाद दमकल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अग्निशमन यंत्रों के जरिए आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मकान है, उसमें कुछ बच्चे किराए पे रहते हैं और गैस की टंकी में आग लग गई है। इमीडिएट कंट्रोल को सूचना दी, राजू राम जी सब इंस्पेक्टर हैं वो तुरंत मौके पे आ गए और हमारी सिविल डिफेंस की टीम है वो भी तुरंत आ गई मौके पर और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ में जो गैस की टंकी है पहले आग बुझाई और उसको फिर बाहर लाके और उसको डिफ्यूज किया और अभी वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। आग ये हरजी राम जी का मकान है जहाँ पे चार बच्चे रहते हैं अलग अलग रूम में जो यहाँ पढ़ते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो लाबू राम का जो कमरा है वो जब खाना बना रहा था तो उसने अचानक गैस ऑन किया तो कहीं लीकेज था तो उस लीकेज की वजह से आग लगी। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ये मामूली जो बिस्तर हैं वो जले हैं और बाकी जो गैस की टंकी है वो बाहर निकाल दी है, चूल्हा जल गया उसका, बाकी कोई विशेष कोई नुकसान नहीं है। बाकी अभी देख के और मौका जैसे भी देखेंगे उसमें रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से। शुक्रवार को ब्रजनगर इलाके में एक रहवासी मकान में युवकों की समझदारी के चलते बड़ा हादसा टल गया। यहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और मकान में रह रहे युवकों ने तत्परता दिखाते हुए सिलेंडर को मकान से बाहर फेंक दिया। इससे मकान के भीतर आग नहीं फैल पाई। वहीं दूसरी ओर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच तत्काल आग बुझा दी। यदि सिलेंडर फट गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।